तो आपके लिए रिकैप कर देते हैं। वैसे तो आप सभी कुछ देख ही रहे हैं। देखिए एनडीए 293 पर इस वक्त है, इंडिया गठबंधन 236 पर। किसी भी पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिलता हुआ इस वक्त मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। भारतीय जनता पार्टी अपने नंबर उसके हैं तो वो 239 पर हैं, वो भी अभी 272 से 33 सीट दूर दिखाई दे रही है। क्या वो वहां तक पहुंच पाएगी? नामुमकिन नहीं है, लेकिन इस वक्त बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि नंबर्स बदल नहीं रहे हैं बहुत देर से। कांग्रेस पार्टी 52 से उठकर लगभग 100 के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, 90, 92, 94 इन्हीं के आसपास उसकी टैली घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कम से कम 40 सीटों का इजाफा अपनी टैली के अंदर 2019 की तुलना में कर लिया है। देश में एनडीए की सरकार बनेगी इसकी सबसे प्रबल संभावना है, क्योंकि एनडीए जो प्री पोल अलायंस है वो 272 के ऊपर लगातार चल रहा है, बल्कि एक कंफर्टेबल आप कह सकते हैं कुशन भी है। 272 मेजोरिटी मार्क है, 293 पर आपको बड़ी देर से 290 के ऊपर ही दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे इसमें अभी तक कोई संदेह दिखाई नहीं देता, लेकिन बीजेपी अपने दम पर 272 नहीं लाती हुई दिखाई दे रही है। 300 पार के जो दावे थे, जो नारे थे, वो अभी बिल्कुल हवा हवाई दिखाई दे रहे हैं। जहां तक वोटों की गिनती का बात है, अब 12:30 बज चुके हैं, 8:30 बजे से ईवीएम खुल चुकी हैं, 4 घंटे से ईवीएम मशीनों से मत जो हैं वो गिने जा रहे हैं। अब ये ट्रेंड्स कंसोलिडेट हो चुके हैं, जो लीड्स हैं, मार्जिन्स हैं, बहुत सारी सीटों पर कम मार्जिन में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सीटों पर मार्जिन्स बिल्कुल क्रिस्टलाइज हो चुके हैं, कहीं 50,000 कहीं लाखों में मार्जिन जा रहे हैं। तो अब यहां से स्थिति पूरी तरीके से पलट जाएगी, इसके आसार दिखाई नहीं देते। कमोबेश जो ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, अब से हो सकता है कि ये गिनती खत्म होने तक यही ट्रेंड रहे, कुछ अगर बदलेगा तो आपके और हमारे दोनों के सामने होगा, लेकिन गुंजाइश उसकी कम दिखाई देती है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनेगी, लेकिन वो गठबंधन की सरकार होगी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी। इसका उनकी सरकार, अब तीसरी सरकार कैसी होती है, ये सब तब बातें होंगी जब सरकार गठन की बात आएगी। फिलहाल ये है मेजोरिटी किसी एक दल को मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। कुछ सीटों की बात कर ले, जालना से केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे महज 296 वोट से आगे चल रहे हैं। नवनीत राणा एक बार फिर अमरावती से लीड लेने लगी हैं, लेकिन महज 5,000 वोटों की यह लीड है। नितिन गडकरी पांचवें राउंड के बाद 47,000 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की दो सीटों की बात कर ले, नगीना से चंद्रशेखर आजाद 60,000 वोट से लीड कर रहे हैं, और ये एक वो सीट है जो बहुत देर से एक ही तरीके के ट्रेंड में दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पर कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ, ये मतलब चंद्रशेखर आजाद के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। रामपुर से अगर बात कर ले, सपा उम्मीदवार मुहिबुल्ला नदवी 65,000 वोट से आगे चल रहे हैं, इसका मतलब ये भी कि रामपुर सीट पर भी कोई परिवर्तन फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कुछ सीटें जहां पर जो बहुत कम मार्जिन है, वो एक अमरावती सीट है, कभी भी नवनीत राणा आगे होते हैं, कभी पीछे हो जाती है। मुझे लग रहा है मुश्किल होगा नवनीत राणा को सीट बचाना, क्योंकि वहां पर क्या नवनीत राणा के खिलाफ नवनीत राणा बनाम ऑल हो गए थे, मतलब वहाँ पर जो शिवसैनिक है आनंदराव अड़सूल जो एकनाथ शिंदे के साथ जुड़े, वो वहाँ से टिकट चाहते थे, उन्होंने टिकट नहीं मिला, वो खिलाफ चले गए, कांग्रेस खिलाफ है। नवनीत राणा वहाँ से निर्दलीय रही है, उसका झगड़ा सबसे रहा। इसके अलावा अकोला जुड़ी हुई सीट है, वहाँ से अनूप धोत्रे जो संजय धोत्रे वहाँ से जो सांसद रहे, 5 बार उनके बेटे को टिकट दे दिया था, वो भी वहाँ पीछे चल रहे। एक सतारा से भी अपडेट आया, सतारा से शशिकांत शिंदे 5,000 वोट से आगे चल रहे हैं, शरद पवार एनसीपी गुट के नेता। सतारा सीट उनकी भी है, सतारा सीट तो शरद पवार का गढ़ रहा है वहाँ पर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग, इंदौर में नोटा पर बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, इंदौर के अंदर तो एक मुहिम चली थी, जिस तरीके से वहाँ पर बम का नॉमिनेशन विड्रॉ करवा लिया गया था भाजपा के नेताओं के द्वारा, सुमित्रा महाजन ने नाराजगी जताई, इंदौर में इस बात को लेकर एक बड़ा मूवमेंट चला था कि भाई जाना है तो नोटा को दबाकर आना है, तो मुझे लगा कि बड़ा वर्ग नोटा में गया, और इस बार शायद हिंदुस्तान में इंदौर ऐसी सीट होगी जहां सबसे ज्यादा नोटा पर वोट। देखिए इस वक्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अगर आप एक उसमें सूरत की सीट भी जोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो डिक्लेयर ही हो गई थी बीजेपी के पक्ष में, तो 245 सीटों पर बीजेपी आ गया, 245। और ये जो नंबर्स के इंडिकेशन है ना सर, वीसीआई पे वो काफी पीछे चल रहा है, जैसे जिस डाटा को आप देख रहे हैं 20,000, 22,000, 23,000 कैराना से 22,000 वोट से 60,000 से फिर आगे हो चुका, पहुंच चुका है वहां। ये काफी लेट की बात कर रहे थे, इंदौर सीट पे 1.5 लाख वोट नोटा को पड़ा है, 3 लाख से ज्यादा नोटा पे पड़ेंगे, 3 लाख से ज्यादा जाएंगे अभी तक वो 1.5 लाख हो चुका। एक किराना से रिपोर्ट आई है, किराना से इकरा हसन आगे हो गई है, 22,000 वोट से वो लीड करती हुई दिखाई दे रही है, और 12:30 का वक्त हो चुका है, कितना परिवर्तन अब यहाँ पर आता है। ये बड़ा मार्जिन, ये बहुत बड़ा मार्जिन है, ये पलटना यहाँ से मुश्किल हो रहा है। हालांकि मीनाक्षी, मतलब लगभग 20 सीटें अभी मैं देख रही हूँ यूपी की ऐसी हैं, 10-11 बीजेपी के पास और 10-11 एसपी के पास, जहाँ पर मार्जिन जो है वो 700 सबसे कम है,
और उसके बाद सबसे मैक्सिमम जो दिख रहा है मतलब अभी वो 10,000। अच्छा, कर्नाटक से हासन सीट की भी रिपोर्ट देख ले, प्रज्वल रेवन्ना कांग्रेस के श्रेयस पटेल से 39,465 वोट से पीछे चल रहे हैं। अच्छी खबर है, अच्छी खबर है। ये जो है बहुत देर के यहाँ पर जातियों से ऊपर उनके वोट हुआ है, ये समझ में आ रहा है। इन द स्टूडियो संजीव जी, आपको अब जायंट स्लेयर इनको कहेंगे आज। बीजेपी नहीं, बीजेपी 272, बीजेपी का 272 पहुंचना या इंडिया अलायंस का 295 पहुंचना, या इंडिया अलायंस का भी 272 पहुंचना, दोनों में से क्या मुमकिन लगता है? यार दोनों नहीं, 100% सही निकलता, दोनों ही नहीं, दोनों मुमकिन नहीं लगते आपको? ऑलराइट, सो ये एनडीए की सरकार होगी लेकिन मिलीजुली सरकार होगी, ये स्पिरिट में वाजपेयी जी की सरकार होगी। ओके, स्पिरिट में वाजपेयी जी की सरकार। 297 एनडीए, 300 के आसपास एनडीए पहुंच रहा है। सौरभ, अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होगा सरकार की प्रकृति के हिसाब से, जो अभी तक जो दो टर्म रहा है उसके साथ। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगी, जैसे कैबिनेट का एजेंडा, कई केसेज ऐसे हुए जब मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक नहीं पता चलता है कि कैबिनेट का एजेंडा क्या है। जब कोलिशन की सरकार होगी तो आप उस हिसाब से उसको हैंडल नहीं कर सकते। धारा 370 का हटाया जाना, वो उनको उसी समय पता चला। नोटबंदी का फैसला, वो उनको उसी समय पता चला। जैसे ही कोलिशन पे डिपेंडेंसी वाली सरकार होती है, फिर सारे मुद्दे पार्षद साहब कैबिनेट बनने के बाद उठेंगे। अभी तो कैबिनेट बनने भी इतनी उलझन पैदा हो जाएगी, उसमें नंबर्स को लगेंगे। क्योंकि अब जो अलाइज आएंगे, अब जो अलाइज आएंगे वो नकली मंत्री बन के थोड़ी आएंगे। अब वो कहेंगे हमें असली सत्ता का भागीदार बनाइए। नहीं, वो ठीक है, तो सत्ता भागीदार पूरा दे देंगे, लेकिन ये मजबूर सरकार तो नहीं होगी ना सर? 240 वाली सरकार को मजबूर सरकार कहेंगे? मजबूर की मजबूत, क्या कह रहे हैं? मजबूर मजबूर मजबूर। देखिए, अगर आप हालात से समझौता कर लें, सारी चीज मनोविज्ञान की है, साइकोलॉजिकल है ना, कि अगर सपोज मैं किसी चैनल का एडिटर हूँ, अभी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं उससे सहज हो जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज अ गेस्ट बन के भी बैठने में। उसी तरह से आप एक बहुत बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हो, और एक आप कम मजबूत कम स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो हो। प्राइम मिनिस्टर पद की गरिमा, उसका उसका जो एक क्या कहें, कार्य प्रणाली, मतलब आप अपने हिसाब से देश में चीजों को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन आपको जो मैंने पहले कहा था, आपको समन्वय की राजनीति करनी पड़ेगी, जो आपने कभी की नहीं, तो वो आपके लिए एक बड़ी चुनौती है। आपको इस उम्र में एक, जैसे कहते हैं ना कि अब कैसे बदलें, लेकिन अब बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बदलने से कितना सहज होते हैं आप, वो आपके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि वैसे तो बहुत सिंपल है, 240 तो बहुत अच्छा फिगर है। अगर यूपीए 2 में कांग्रेस 200 की 200 सीटें थी, कांग्रेस को छोड़ी, कांग्रेस तो यूपीए 2 में, कांग्रेस को तो पुरानी आदत है 200 यूपीए 2 में कांग्रेस की 200 थी, नहीं 200 के ऊपर, पिछले 30-35 साल में, पिछले 30-35 साल में कांग्रेस को तो आदत है ब्लैकमेल होने की कोएलिशन गवर्नमेंट्स में। जो यूपीए 2 के सारे स्कैंडल थे वो तो यूपीए के अलाइज ने किए थे ना, तो उनको तो आदत है। अब ये नया सिस्टम उससे कैसे सहज होता है? क्योंकि अब आप ये तो भूल जाइए ना कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर छोड़ के मंत्री बन के आ जाएंगे यहाँ, छोड़िए बीजेपी का मुख्यमंत्री, फॉरगेटेड, गुड बाय टाटा टू, राहुल गांधी की स्टाइल में बोलो तो है ना, वो किस्सा खत्म हुआ। अभी गुड बाय टाटा वाली स्थिति तो नहीं आई है। अरे नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात पे नहीं आ रही हूँ, एनडीए की बात कर रही हूँ, कि जो राहुल गांधी वाला डायलॉग था गुड बाय टाटा वाला, अभी अभी मोदी जी की वो स्थिति तो नहीं है। नहीं, मैं मोदी जी की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ नीतीश जी की, नीतीश जी हो या आई नो जी। तो अब मैं कुछ सीटों की बात कर रही थी, बेगूसराय की बात कर ले। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से गिरिराज सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीआईपी सीटों की बात कर ले, बनारस चलते हैं पहले, इसमें कोई शंका तो किसी को थी ही नहीं। नरेंद्र मोदी 76,000 के मार्जिन से आगे चले, लेकिन आंकड़ा तो बहुत बड़ा दिया जा रहा था कि लाखों के मार्जिन से, राहुल गांधी के मार्जिन से कम है, लेकिन राहुल गांधी के मार्जिन से कम है। अभी गिरिराज सिंह का बेगूसराय से 10,000 से लीड कर रहे हैं। सवेरे तो हम सोचे थे राहुल गांधी का क्या करेंगे चुनाव के बाद। अमेठी सीट की बात कर ले, अमेठी जहां से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं, 46,000 वोट से वो पीछे चल रही हैं। देखिए 12:30 का वक्त बीत चुका है और बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन है कांग्रेस का पीछे। मतलब जितना रिजल्ट से खुशी नहीं होगी उन्हें, उतनी अमेठी के रिजल्ट से खुशी होगी इनके लिए। तो हमारा आदमी काफी जो वो बोल रहे थे कि इनके लिए तो यही मैनेज कर, हमारा वर्कर ही निपटा देगा।
अगर सच में ऐसा हो रहा है। चलिए आगे कुछ और ऐसी वीआईपी सीट्स, अखिलेश यादव की सीट देख लीजिए, कन्नौज की सीट पर 63,000 वोट से आ गया। इत्र की सुगंध बिखर गई है समाजवादी पार्टी के इस वक्त मुख्यालय में भी। इत्र का खासा मार्जिन है अखिलेश यादव के लिए भी है, 63,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बैठक करते हैं उनके विरोधी। डिंपल यादव देख लें, मैनपुरी से डिंपल यादव 72,000 वोटों से लीड कर रही है। कन्नौज और मैनपुरी दोनों, आजमगढ़ चलते हैं जी। आजमगढ़, आजमगढ़, आजमगढ़ से निरहुआ जो है वो पीछे चल रहे हैं, यानी 45,000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से निरहुआ पीछे चल रहे हैं। कौन सीट की बात कर ले, हम इकड़ा हसन की बात कर रहे हैं। 32,000 वोट का मार्जिन इस वक्त बना हुआ है, इकड़ा हसन आगे चल रही हैं। और एक और सीट लखनऊ की बड़ी वीआईपी सीट, पहली बार है कि 1,00,000 के मार्जिन से आगे चल रहा हो बड़ा नेता, नहीं तो अभी तक सब एक के नीचे नीचे ही थे। 1,00,000 का मार्जिन, दिल्ली में क्लीन स्वीप है अभी भी। मेनका गांधी सुल्तानपुर से 10,000 वोट से पीछे चल रही है। मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर से पीछे होना बड़ी बात है, 10,000 वोटों से सही लेकिन पीछे है। रायबरेली से राहुल गांधी मार्जिन 145,000 का मार्जिन है, 1,50,000 का मार्जिन हजार में लिखा हुआ है, 145,000 1,50,000 का मार्जिन, प्रधानमंत्री के मार्जिन का डबल। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्रेडिट रायबरेली की जनता को। अब लेकिन देखना ही होगा वायनाड वाला मार्जिन को भी देना चाहिए थोड़ा सा, जिस तरह से रात रात भर वो अपने भाई के लिए वहां अमेठी और राहुल गांधी के लिए पूरी कमान उन्होंने ही संभाली। बस वायनाड का भी अब मार्जिन देखना चाह रही हूँ कि कितना होगा। गाजीपुर में देखिए, गाजीपुर में अफजल अंसारी आगे चल रहे हैं, 26,000 की लीड उन्होंने ली हुई है। यहां से कुछ परिवर्तन आ जाए ऐसा मुश्किल ही दिखाई देता है। तो ये वो वीआईपी सीट है, चाहे गाजीपुर की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, कन्नौज, मैनपुरी, अमेठी, रायबरेली, जहां पर इस वक्त इसमें इकरा हसन की सीट की बात और कर ले, मुरादाबाद की सीट की भी बात कर लेते हैं, जहां से रुचि विरा चुनावी मैदान में, रुचि विरा 35,000 की लीड ले रही है, क्योंकि एसटीएसएन का टिकट कटा था यहां से, और एसटीएसएन नाराज से पहले उनको टिकट दे दिया था, एसटीएसएन को बाद में उनका टिकट काटा, रुचि विरा को उनकी नाराजगी का कोई असर तो दिखाई नहीं दे रहा। वायनाड से राहुल खान ने जिद पकड़ ली थी, वायनाड से राहुल गांधी 2,40,000 वोटों से आगे, वायनाड वहां 1,50,000, यहां पर 2,00,000। देवेंद्र आप ही बताइए, बहुत से लोग मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि अब जो ये ट्रेंड्स इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं ये बहुत देर से हिले नहीं है, आपके हिसाब से स्थापित ट्रेंड्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और जो पार्टी का सिस्टम है, एनडीए का सिस्टम है, अब वो लोग सेलिब्रेशन मोड में आ रहे हैं, उसको लेकर तैयारियां उनकी अब शुरू हो रही हैं। सेलिब्रेशन की सरकार तीसरी बार, सेलिब्रेशन की तो वजह है ही ना सर, हमने क्या कहा था ये मायने है कि सरकार कौन बना रहा है, ये मायने उनके हिसाब से देखिए। 250 सीट भाजपा, लगभग 250 सीट के आसपास पहुंच जाए शायद। देखिए संजीव जी, अगर एनडीए की 300 सीट है और वो सरकार बनाते हैं तो उसमें तो कोई इशू ही नहीं है, तो और बहुत फर्क है, 70 सीटों का फर्क है। आप सोचिए कि 2004 में कैसे सरकार बनी थी, 2009 में कैसे बनी, 2009 में कैसे सरकार बनी थी, 2014 के बाद से लगता है भूल गए कि हमारे यहाँ तो कोलेशन सरकार ही हुआ करती थी। असल में बढ़ना, जो पार्टी सबसे बड़ी है, जो लीड में है, उसके पास कितनी सीटें हैं, तो पहले 106, 120, 130 वाली पार्टी सरकार बनाती थी, ये तो 243 वाली। रजत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान करें तो नरसिम्हा राव की 240 के आसपास सीट्स थी, अब उनको हम मजबूत प्राइम मिनिस्टर कहें कि कंसेंसस वाला प्राइम मिनिस्टर कहें, उन्होंने मजबूत सरकार चलाई, उन्होंने चलाई की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी बदल दी, अपनी मर्जी का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल मजबूत चलाई, लेकिन कितने मोर्चों पे समझौता करना पड़ता था साथी दलों के साथ, तो वो एक नई, जो पिछले 10 साल में हमने परिपाटी नहीं देखी, वो नई परिपाटी। ये देखिए, ये देश का नुकसान है, ये किसी पार्टी का किसी सरकार का नुकसान नहीं है, देश में कोएलिशन सरकारें जब बनेंगी तो उसके नुकसान होते हैं, उसके लाभ भी होते हैं, एक देश का, देश का जो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग लोगों का मत है वो सब परिलक्षित होता है, नहीं तो एक ही का मत दिखता है हर जगह। मुझे लग रहा है जो महाराष्ट्र को लेकर जो परिणाम आएंगे इसका असर महाराष्ट्र की सरकार पर जरूर आने वाले दिनों में पड़ेगा, कि 4 महीने के बाद ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और दिल्ली में, और ये 3-4 जगह बिल्कुल एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक गए थे उद्धव ठाकरे के, मुझे लग रहा है उसके बाद जब परिणाम देखेंगे तो वो विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो 40 विधायक गए थे उसमें से बहुसंख्यक विधायक लौटेंगे, और मुझे लगता है शरद पवार के साथ भी कुछ विधायक वापस लौटेंगे,
और आने वाले दिनों में खबर यह भी है कि शरद पवार अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले विधानसभा चुनाव के पहले जी। तो ये हो सकता है कि वहां पर मतलब विधानसभा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार हम उन्हें भी इस चर्चा में शामिल कर ले। प्रमोद तिवारी जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। 231 सीटों पर इंडिया अलायंस लीड कर रही है एनडीए 297 पर, और अगर कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस की बात करें जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी 88 इस वक्त कांग्रेस लीड कर रही है। मैं आपसे कह रहा हूं शाम तक ये लीड फाइनल टैली 295 से 305 के बीच में हो जाएगा। अभी आप देखिए अभी तो बहुत कम हुआ है, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है बहुत जगहों पर। ये लीड बढ़ेगी हमारी और हम सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो 400 का टारगेट लेके चल रही थी और जो हमें 100 के नीचे समेट रही थी, आज मॉरली नैतिक रूप से उनकी जिम्मेदारी है कि इसके लिए माफ़ी मांगे। अब सर ये तो अब देखिए बीजेपी बोलती है या नहीं बोलती है, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी आप लेकिन बहुमत के आंकड़े से तो दूर है, जो 295 का आंकड़ा आप इंडिया अलायंस के लिए रख रहे थे 297 तक एनडीए दिखाई दे रही है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि शाम तक का इंतज़ार करिए, शाम तक जो इंडिया ने आंकड़े दिखाए थे वो आंकड़े पूरे हो जाएंगे और हम सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत इकट्ठा कर लेंगे। राहुल गांधी रायबरेली से और वायनाड इन दोनों ही सीट से बहुत ही बम्पर मार्जिन से लीड कर रहे हैं। ये चूंकि मैं तो रायबरेली के बगल का रहने वाला हूं, वही मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये तो मालूम था वहां कि कितने वोटों से जीतेंगे, सिर्फ ये देखना था। उनकी जीत तो पक्की थी, वायनाड का पिछली बार भी जीते थे, पर रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों का जीतना तय था। ठीक है प्रमोद तिवारी जी, हम भी इंतजार करते हैं शाम तक का, तब फिर आपसे चर्चा करने में और इंटरेस्ट आएगा। आप ये कह रहे हैं कि आप सरकार बनाते हुए दिखाई देंगे, बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी। तो ये टैली इस वक्त आपके सामने, बीजेपी इस वक्त 241 सीट पर लीड कर रही है, कांग्रेस पार्टी 88 पर, टीडीपी 16 सीटों पर, डीएमके 21 सीट पर लीड करते हुए दिखाई दे रही है। जेडीयू ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अगर आप बिहार में जो देवेंद्र बात चल रही थी कि बीजेपी को तो कोई नुकसान नहीं होने जा रहा, हो सकता है जेडीयू को नुकसान हो जाए, तो जेडीयू को तो कोई नुकसान दिखाई दे नहीं रहा, अच्छा परफॉर्म किया। जेडीयू का परफॉर्मेंस वाकई कमाल का है, उसमें डिफिकल्ट सीट है जैसे कटिहार की सीट बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है क्योंकि मुस्लिम वोट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वो सीट भी जेडीयू काफ़ी अच्छे मार्जिन से लीड कर रही है। जहानाबाद की सीट पालक वो पिछड़ रहे हैं, जहानाबाद में उम्मीद थी कि जेडीयू अच्छा कर जाएगी, लेकिन अधिकांश सीटों पे जेडीयू अच्छा कर रही है जो कि डिफिकल्ट सीट मानी जाती है, जैसे सुपौल की बात कर लें, कटिहार की बात करें, इस तरह की जो भी सीट है वहाँ जेडीयू का परफॉर्मेंस ठीक दिख रहा है। और ये बता रहा है कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी में भले ही थोड़ी कमी आई हो, लेकिन जो उनका अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है वो अभी भी उनके साथ इंटैक्ट है एकदम। अच्छा इसमें दो चीज़ें मीनाक्षी बिहार को लेकर हमको समझनी चाहिए, नीतीश कुमार को सबने पूरी तरह डिस्क्रेडिट कर दिया था, उनकी अपनी पार्टी को छोड़ के आरजेडी ने भी, बीजेपी ने भी, मीडिया ने भी, और जो अफवाह तंत्र होता है उसने भी कि भाई ये ख़त्म हो गए, अब ये बीमार हो गए, अब इनका कोई, और फिर बीजेपी से बार बार ये कहा गया था ये एक लाइबिलिटी है, ये आपको नुकसान करेंगे, इनको साथ लेकर के आपने गलती कर दी, अपने दम पर लड़ते तो आप जीत जाते। लेकिन जिसने भी बीजेपी में नीतीश कुमार को साथ लाने का काम किया, उनके साथ अलायंस किया, वो समझदारी का काम किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार के अंदर दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार फिर से बड़े लीडर बनकर उभरेंगे ये किसी को अंदाज़ा नहीं था, ना जो इतने हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनको इस बात का अंदाज़ा था, लेकिन जिसने भी बीजेपी में उनको उनसे बात की, उनको लाए, उनको इस बात का अंदाज़ा था बिहार में अगर जीतना है तो नीतीश कुमार को साथ लेना पड़ेगा, और नीतीश कुमार अपने दम पर एक बड़े वोट कैचर हैं, ये उन्होंने साफ क्लैरिफाई कर दिया। और ये उनको पलटू राम कहना, उनके दिमाग में अब लोचा हो गया है, वो ठीक से सोच नहीं पाते हैं, वो लोगों को पहचान दिया, देखिए ये जो र्यूमर तंत्र है ना, इन सबको बार बार जवाब मिल रहा है, वो सोच नहीं पाते हैं, वो किसी को पहचानते नहीं है, उनको मिलने गया तो उन्होंने किसी और का नाम ले दिया, मंच से किसी का नाम ले दिया, इन सब चीज़ों पर अब विराम लग जाएगा। हमें अभी ये जो सर आपने विश्लेषण किया, अगर वो जातियों के लिहाज से ही हम चर्चा करें कि एक तरफ जातियों का ये समीकरण तो बिहार में काम कर गया, लेकिन जातियों का यही समीकरण जब बैठाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में हुई तो वो क्यों फेल कर गया?
क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनसे बेहतर जातिगत समीकरण है और मुझे बड़ी संभावना उत्तर प्रदेश में, देखिए जब तक पूरे फिगर्स नहीं आ जाएंगे उसे एनालाइज करना मुश्किल है, लेकिन ब्रॉडली मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ मायावती बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह डिस्क्रेडिट हो गई और उनके जो सपोर्टर्स थे उनको जब ये आरक्षण का डर लगा या डर उनके दिमाग में बैठाया गया कि भैया ये 400 पार हो गए ये फिर से आ गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे, तो वो जो वोटर था वो शिफ्ट करे, लाभार्थी होते हुए भी वो आरक्षण को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी का जो कोलिशन था उसमें चला गया। दूसरी बात, जिस तरह से अखिलेश यादव ने जातिगत समीकरण रख के टिकट दिए और बीजेपी के टिकट बांटने में जो एरोगेंस था उसका एक बड़ा असर दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। एक, एक